आज का टॉपिक है एंट्रोपी। सबसे पहले हम एंट्रोपी की परिभाषा देंगे, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की परिभाषा। यदि कोई निकाय किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में परम ताप T पर dQ ऊष्मा ग्रहण करता है तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन dS को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, dS इक्वल टू dQ/T। S एंट्रोपी कहलाती है, dS एंट्रोपी में परिवर्तन है जिसे हमने इस तरह से परिभाषित किया है, dS इक्वल टू dQ/T। यहाँ dQ किसी निकाय द्वारा T ताप पर ले गई ऊष्मा है। यदि निकाय ऊष्मा ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो dQ को पॉजिटिव लेते हैं तो dS पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, यानी एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो यदि निकाय ऊष्मा ले रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है और एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो है dQ/T, T परम ताप पर। यदि निकाय ऊष्मा दे रहा है तो dQ नेगेटिव होगा, dS भी नेगेटिव होगा, तब निकाय की एंट्रोपी में कमी होगी। तो इस तरह से यह एंट्रोपी की परिभाषा है, dS इक्वल टू dQ/T, और इसी से आता है dQ इक्वल टू TdS। यह ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, dQ इक्वल टू TdS। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अन्य परिभाषा इस तरह से है कि किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था की माप है। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी, डिसऑर्डर होगा, उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी। सो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। द मोर इज द डिसऑर्डर, द मोर इज द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी का मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट इसी फार्मूले से dS इक्वल टू dQ/T से होगी, कैलोरी पर डिग्री केल्विन। dQ की यूनिट कैलोरी है, ऊष्मा हीट, और T की डिग्री केल्विन। अब हम इसका भौतिक महत्व देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। dQ इक्वल टू होगा dS इंटू T। इसी परिभाषा से dS इक्वल टू dQ/T से dQ बराबर dS इंटू T। dQ ये ऊष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी। dS एंट्रोपी में परिवर्तन है, चेंज इन एंट्रोपी, और T परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि हम m द्रव्यमान के पदार्थ को h ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन होगा mgh, m द्रव्यमान h ऊंचाई पर ले जाने पर। तो हम इन दो समीकरणों की तुलना करते हैं, dQ बराबर dS इंटू T, दूसरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊंचाई को हम एक निश्चित तल से नापते हैं, यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा जीरो मानेंगे, तब h ऊंचाई पर mgh स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जिस तरह से ऊंचाई को एक निश्चित तल से नापते हैं, परम ताप T भी 0 डिग्री केल्विन से नापते हैं। तो परम ताप T यहाँ पर ऊंचाई h के संगत राशि है, T इज करस्पॉन्डिंग टू हाइट h। गुरुत्वीय त्वरण g तो कांस्टेंट है, तब यह जो एंट्रोपी है इसके संगत राशि, इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होगी m मास।
द्रव्यमान। तो एंट्रोपी के संगत राशि द्रव्यमान है, अतः एंट्रोपी का ऊष्मीय गति में वही स्थान है जो रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है, एवं घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। यदि हम स्थानांतरण गति लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, तो हम एम मास द्रव्यमान काम में लेते हैं, और यदि घूर्णन गति लें, रोटेशनल मोशन, तो द्रव्यमान की जगह जड़त्व आघूर्ण काम में लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि द्रव्यमान व जड़त्व आघूर्ण क्रमशः रैखिक गति व घूर्णन गति में जड़त्व की माप है, अतः ऊष्मीय गति में एंट्रोपी जड़त्व की माप है, अतः इसे ऊष्मीय जड़त्व भी कहते हैं। तो इस तरह से हम एंट्रोपी का भौतिक महत्व बता सकते हैं। एंट्रोपी का स्थान ऊष्मीय गति में थर्मल मोशन में वही है जो कि द्रव्यमान का स्थान है स्थानांतरण गति में, ट्रांसलेशनल मोशन में, और जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्थान है घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। द्रव्यमान ये जड़त्व की माप है, इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया स्थानांतरण गति में। इसी तरह से जड़त्व आघूर्ण भी जड़त्व की माप है पर घूर्णन गति में। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी यह भी जड़त्व की माप है ऊष्मीय गति में, अतः इसे ऊष्मीय जड़त्व भी कहते हैं, थर्मल इनर्शिया। अब हम सिद्ध करेंगे कि एंट्रोपी एक बिंदु फलन है, एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन। यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन उन दोनों बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, उनको जोड़ने वाले पथ पर नहीं। दिए गए चित्र में IAFBI एक उत्क्रमणीय चक्र दिखाया गया है। ये एक उत्क्रमणीय चक्र है, रिवर्सिबल साइकिल, आई से शुरू करके AFB और फिर आई। PV आरेख पर, सूचक आरेख पर इसको दिखाया गया है, इंडिकेटर डायग्राम में ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम दिखाया गया है। आई इनिशियल स्टेट है और IAFB होते हुए वापस आई, ये एक पूरा चक्र है। F फाइनल स्टेट कहें, ये दो बिंदु लें, आई इनिशियल स्टेट और F फाइनल स्टेट, आई प्रारंभिक अवस्था, F अंतिम अवस्था। तो क्लॉसियस की प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि इस बंद उत्क्रमणीय चक्र के लिए इंटीग्रल DQ/T इक्वल टू 0। यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर एक सर्किल बनाएं, सर्किल व्यक्त करेगा बंद चक्र के लिए। तो ये बंद चक्र के लिए, बंद उत्क्रमणीय चक्र के लिए इंटीग्रल है DQ/T, और ये 0 होता है क्लॉसियस के प्रमेय के अनुसार। ये राशि DQ/T ही DS है, एंट्रोपी में परिवर्तन, अतः बंद उत्क्रमणीय चक्र के लिए इंटीग्रल DS बराबर 0, और बंद उत्क्रमणीय चक्र के लिए इंटीग्रल को हम इन दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला इंटीग्रल DS फॉर I टू F, I से F तक पहला इंटीग्रल पथ A के द्वारा, और प्लस दूसरा इंटीग्रल होगा F से I के लिए पथ B के द्वारा। तो ये जो बंद चक्र के लिए इंटीग्रल DS था, इसके दो भाग कर लिए, I से F तक DS और फिर प्लस F से I तक DS। पहला इंटीग्रल पथ A के लिए है, दूसरा इंटीग्रल पथ B के लिए, पाथ A एंड पाथ B। क्योंकि चक्र उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल साइकिल है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, अतः प्रक्रम को विपरीत दिशा में किया जा सकता है। उपरोक्त समीकरण में द्वितीय समाकलन को
विपरीत दिशा में करने पर। दूसरे इंटीग्रल को विपरीत दिशा में करें, पहला इंटीग्रल है एफ से आई तक, दूसरे में इसको आई से एफ तक कर लें विपरीत दिशा में, तो एक माइनस साइन पहले आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रल आई टू एफ डी एस पाथ ए माइनस इंटीग्रल आई टू एफ डी एस पाथ बी इक्वल टू जीरो, और हम देख सकते हैं इंटीग्रल आई टू एफ डी एस इक्वल टू इंटीग्रल आई टू एफ डी एस लेफ्ट हैंड साइड पाथ ए के लिए है, पथ ए के लिए, और राइट हैंड साइड पथ बी के लिए। तो इंटीग्रल डी एस आई से एफ पथ ए के लिए उतना ही है जितना कि इंटीग्रल डी एस आई से एफ जो पथ बी के लिए है। तो प्रारंभिक अवस्था आई से अंतिम अवस्था एफ तक जाने में एंट्रोपी में परिवर्तन समान होगा, चाहे हम किसी भी पथ से जाएं, चाहे पथ ए से जाएं, चाहे पथ बी से जाएं, या किसी अन्य पथ से। अतः हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी ये एक बिंदु फलन है, पॉइंट फंक्शन है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, इनको जोड़ने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगला टॉपिक अब हम लेते हैं आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। एंट्रोपी में परिवर्तन की परिभाषा यही है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, और डी क्यू का मान हम लेते हैं ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हम एक मोल आदर्श गैस दे रहे हैं जिसका कि दाब P है, आयतन V है, परम ताप T है। कंसीडर वन मोल आइडियल गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। यदि इसे डी क्यू ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से डी क्यू बराबर होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस निकाय को दी गई ऊष्मा दो काम करेगी, पहला डी यू इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस डी डब्ल्यू इस निकाय के द्वारा किया गया कार्य। डी यू आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डी यू है चेंज इन यू, यू में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डी डब्ल्यू है वर्क डन, इसके द्वारा किया गया कार्य। अब हम विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है सी वी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। विशिष्ट ऊष्मा सी की परिभाषा आती है डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी से। यदि हम m वन मोल ले लें, एक मोल पदार्थ लें, तो जो विशिष्ट ऊष्मा है इसको मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, कैपिटल C, और नीचे V लिखेंगे सी वी। वी नियत आयतन के लिए है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो C ये होगा dq क्यू अपॉन डी टी। यदि हम कॉन्स्टेंट V ले रहे हैं तो सी वी लिखेंगे, और इधर राइट हैंड साइड में भी कॉन्स्टेंट V के लिए नियत आयतन के लिए सी वी हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट। और जब आयतन नियत है तो इस ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू जीरो होगा, डी डब्ल्यू होता है पी डी वी। यदि वी कांस्टेंट हो गया तो डी वी जीरो हो गया, इसलिए डी डब्ल्यू भी जीरो हो गया, तब डी क्यू बराबर होगा डी यू। तो हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी वी नियत आयतन के लिए ले रहे हैं, और नियत आयतन के लिए डी डब्ल्यू जीरो है, इसलिए डी क्यू बराबर डी यू, इसलिए सी वी बराबर होगी डी यू अपॉन डी टी। डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी बराबर जीरो, क्योंकि वी नियत है, डी वी जीरो है, इसलिए डी क्यू बराबर डी यू, इसलिए सी वी जो डी क्यू अपॉन डी टी होती है नियत आयतन पर
ये होगी डी यू अपॉन डी टी। इससे हम डी यू का मान निकाल सकते हैं, डी यू बराबर हो गया सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू निकाय के द्वारा किया गया कार्य ये होता है पी डी वी। डी यू और डी डब्ल्यू के ये दोनों मान एंट्रोपी में परिवर्तन की ये जो परिभाषा है डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, और डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऊष्मागतिकी के पहले नियम से। और यहाँ पर हम डी यू और डी डब्ल्यू के ये दोनों मान रख दें, डी यू बराबर सी वी डी टी और डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, तो एंट्रोपी में परिवर्तन चेंज इन एंट्रोपी डी एस बराबर हुआ सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट को हम आई से लिखें, और प्रारंभिक अवस्था आई के लिए पी वी और टी के मान पी आई वी आई और टी आई मान लें। पी आई इनिशियल प्रेशर प्रारंभिक आयतन, वी आई इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन, और टी आई इनिशियल टेम्परेचर प्रारंभिक ताप, और अंतिम अवस्था को एफ से लिखें, और यहाँ पर पी वी और टी के मान हम पी एफ वी एफ और टी एफ मान लें। पी एफ फाइनल प्रेशर अंतिम दाब, वी एफ फाइनल वॉल्यूम अंतिम आयतन, और टी एफ फाइनल टेम्परेचर। तो हम प्रारंभिक अवस्था पी आई को आई से लिखें, यहाँ पर पी वी और टी के मान पी आई वी आई और टी आई हैं, और अंतिम अवस्था को एफ से लिखें, यहाँ पी वी और टी के मान पी एफ वी एफ और टी एफ हैं, तब एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस ये बराबर होगा एस एफ माइनस एस आई। एस आई प्रारंभ में एंट्रोपी है और एस एफ अंत में एंट्रोपी है। फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, बाद की एंट्रोपी माइनस पहले की एंट्रोपी, ये डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन, और ये बराबर होगा इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल फ्रॉम आई टू एफ, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जाने में। और डी एस का मान ऊपर के समीकरण से लिखें, डी एस का मान रखने पर यह हो गया इंटीग्रल आई टू एफ सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन टी। अब इस इंटीग्रल में दो टर्म हैं, पहली इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी प्लस दूसरी टर्म है इंटीग्रल पी डी वी अपॉन टी। अब पी वी और टी तीन जो वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं, इनके दो दो के हम तीन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पी और वी, वी और टी, टी और पी। तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। पहला ताप टी और आयतन वी के पदों में एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस इतना है इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल पी डी वी अपॉन टी। पहले हम ज्ञात करना चाह रहे हैं टी और वी की टर्म में, टी और वी के पदों में, तो टी और वी को तो हम ऐसा ही रहने देंगे, और जो तीसरा वेरिएबल है जो कि पी है, इस पी को हमें हटाना है, और पी को हटाने के लिए हम आदर्श गैस का अवस्था समीकरण काम में लेंगे। एक मोल के लिए आदर्श गैस का अवस्था समीकरण होगा पी वी बराबर आर टी, क्योंकि हमें इस समीकरण से पी को हटाना है, टी और वी के पदों में लेना है, तो पी का मान हम इस समीकरण से रखें, P बराबर हो गया आर टी अपॉन वी। तो इस समीकरण में P का मान आर टी अपॉन वी रखने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस हुआ इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल आर टी अपॉन वी टी डी वी। टी कैंसिल हो जाएगा सेकंड इंटीग्रल में, और हमें मिलेगा ये डेल्टा एस बराबर हुआ सी वी इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस आर
कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रल दूसरे इंटीग्रल के अंदर बचेगा इंटीग्रल डी वी अपॉन वी। इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग टी होगा और लिमिट होगी टी आई से टी एफ। इसी तरह से इंटीग्रल डी वी अपॉन वी लॉग वी होगा और लिमिट होगी वी आई से वी एफ। लिमिट रखने पर ये मान हो गया सी वी लॉग टी एफ अपॉन टी आई। लिमिट रखने पर हमें मिलेगा लॉग टी एफ माइनस लॉग टी आई, जिसको हम लिख सकते हैं लॉग टी एफ अपॉन टी आई। इसी तरह से दूसरी टर्म होगी प्लस आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। यहाँ पर भी लिमिट रखने पर हमें मिलेगा लॉग वी एफ माइनस लॉग वी आई, जिसको हमने लिख लिया है लॉग वी एफ अपॉन वी आई। इस तरह से यह एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस हुआ सी वी लॉग टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। यह है एंट्रोपी में परिवर्तन टी और वी के पदों में, पी को हमने हटा दिया है, और आर ये बराबर होता है सी पी माइनस सी वी मेयर के संबंध से। मेयर का संबंध है आर इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, तो आर की जगह हम सी पी माइनस सी वी रख सकते हैं। दूसरा कम्बिनेशन हम लें यदि टी और पी के पदों में, ताप टी और दाब पी के पदों में एंट्रोपी में परिवर्तन। तो जब टी और पी के पदों में चाहिए तो हमें तीसरा वेरिएबल है जो वी है, वी को हटाना है, और यह एंट्रोपी में परिवर्तन का फार्मूला था। यहाँ पर वी को हटाना है, वी आ रहा है डीबी में, तो इसके लिए पी वी बराबर आर टी, जो एक मोल आदर्श गैस का अवस्था समीकरण है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी वी के डिफरेंशिएशन से हमें मिलेगा पी डी वी प्लस वी डी पी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो पी वी का डिफरेंशिएशन होगा पी डी वी प्लस वी डी पी, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। इससे पी डी वी बराबर हुआ आर डी टी माइनस वी डी पी। हमें v का मान हटाना है, dv का मान भी हटाना है, तो इस dv का मान इस इक्वेशन से मिल सकता है, परंतु इसमें v फिर आ गया है राइट हैंड साइड में। इस v का मान फिर रख दें pv बराबर rt से ही, v बराबर होगा rt अपॉन p, और राइट हैंड साइड में v की जगह हम रख दें rt अपॉन p। इस तरह से pdv बराबर आया rdt माइनस rt अपॉन pdp। पी डी वी का ही यह मान इस दूसरे इंटीग्रल में हम रख देंगे तो हमें पी और टी के पदों में एंट्रोपी में परिवर्तन मिलेगा। पी डी वी का यह मान रखने पर डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन हो गया पहला इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल पी डी वी का मान रखा जो है आर डी टी माइनस आर टी अपॉन पी डी पी डिवाइडेड बाई टी। इस दूसरे इंटीग्रल में दो भाग होंगे, पहले में हमें मिलेगा इंटीग्रल आर डी टी अपॉन टी और दूसरे में मिलेगा माइनस इंटीग्रल आर डी पी अपॉन पी, टी कैंसिल हो जाएगा। इन इंटीग्रल को सॉल्व करें, सी वी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग टी, लिमिट है टी आई से टी एफ। दूसरे इंटीग्रल में आर कांस्टेंट है, बाहर ले लिया है, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग टी, लिमिट है टी आई से टी एफ। तीसरे इंटीग्रल में भी आर कांस्टेंट है, आर बाहर ले लें तो माइनस आर, और इंटीग्रल डी पी अपॉन पी लॉग पी, लिमिट है पी आई से पी एफ। लिमिट रखने पर हमें मिलेगा सी वी लॉग टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग टी एफ अपॉन टी आई माइनस आर लॉग पी एफ अपॉन पी आई। शुरू की दो टर्म में लॉग टी एफ अपॉन टी आई कॉमन है, इसके साथ है सी वी प्लस आर, और लास्ट टर्म है माइनस आर लॉग पी एफ अपॉन पी आई। क्योंकि आर बराबर है सी पी माइनस सी वी,
इसलिए सी वी प्लस आर बराबर होगा सी पी। फर्स्ट टर्म में सी वी प्लस आर को हम सी पी लिख लें और सेकंड टर्म में आर की जगह सी पी माइनस सी वी लिख लें। तो आर बराबर सी पी माइनस सी वी रखने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस मिला सी पी लॉग टी एफ अपॉन टी आई माइनस सी पी माइनस सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई। यह है टी और पी के पदों में। और लास्ट कम्बिनेशन है पी और वी के पदों में। पी और वी के पदों में चाहिए तो हमें टी को हटाना है और एक मोल आदर्श गैस का अवस्था समीकरण पी वी बराबर आर टी से टी बराबर होगा पी वी अपॉन आर। टी के अलावा डी टी और आ रहा है उसको भी हमें हटाना है, इसलिए डी टी का मान इसी समीकरण से होगा, नीचे आर तो कांस्टेंट है और ऊपर पी वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी। इसलिए इस टी बराबर पी वी अपॉन आर से डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा डी टी इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर। टी और डी टी के ये दोनों मान इस समीकरण पाँच में रखने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मान हमें मिलेगा इंटीग्रल सी वी और ये ब्रैकेट में है डी टी का मान और नीचे अपॉन ये टी का मान है जो पी वी अपॉन आर है। तो पहला इंटीग्रल था इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी, इसमें टी का भी मान रखा और डी टी का भी मान रखा। पी वी बराबर आर टी से टी का मान रखा पी वी अपॉन आर और इसी तरह से डी टी का भी मान रखा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर। और दूसरे इंटीग्रल में जो है इंटीग्रल पी डी वी अपॉन टी, यहाँ टी का मान रखा जो है पी वी अपॉन आर। तो जहाँ जहाँ भी टी आ रहा था वो हमने हटा दिया, टी का मान रखा और डी टी का भी मान रखा जहाँ जहाँ भी आ रहा था। पहला इंटीग्रल दो इंटीग्रल में बट जाएगा। पहला इंटीग्रल होगा इंटीग्रल सी वी डी वी अपॉन वी, पी अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल में। और इसी तरह से दूसरा इंटीग्रल मिलेगा इंटीग्रल सी वी डी पी अपॉन पी, दूसरे इंटीग्रल में वी अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह आ रहा है और इंटीग्रल के अंदर है सी वी डी पी अपॉन पी। इसी तरह से लास्ट तीसरे इंटीग्रल में पी कैंसिल है, पी कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा आर इंटीग्रल के अंदर आर डी वी अपॉन वी। अब ये तीन इंटीग्रल हैं, इनको सॉल्व कर लें। सी वी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रल डी वी अपॉन वी लॉग वी लिमिट वी आई से वी एफ। दूसरे इंटीग्रल में सी वी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, इंटीग्रल डी पी अपॉन पी लॉग पी लिमिट पी आई से पी एफ। और तीसरे इंटीग्रल में आर लॉग वी और लिमिट है वी आई से वी एफ। लिमिट रखने पर हमें मिलेगा सी वी लॉग वी एफ अपॉन वी आई प्लस सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई प्लस आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। लॉग वी एफ अपॉन वी आई दो जगह आ रहा है, कॉमन ले लें, साथ में बचेगा सी वी प्लस आर और तीसरी टर्म बची सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई। तो ये एंट्रोपी में परिवर्तन, आर का मान रख दें सी पी माइनस सी वी, जिससे सी वी प्लस आर बराबर हो जाएगा सी पी और एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस होगा सी पी लॉग वी एफ अपॉन वी आई प्लस सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई। इस तरह से हम एक मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं P और V के पदों में, V और T के पदों में और T और P के पदों में। अब हम देखें कि यदि प्रक्रम समतापी प्रक्रम हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ताप T नियत हो, तो यदि ताप T नियत है, समतापी प्रक्रम है, तो log TF अपॉन TI, TF बराबर होगा TI के, ताप यदि नियत है तो। तब जहाँ log TF अपॉन TI आ रहा है, इसका मान हो जाएगा log 1
और लॉग वन का मान होगा जीरो, तब एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, एक मोल आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस होगा आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। आर यहाँ पर सी पी माइनस सी वी है। यदि आयतन वी आई से बढ़कर वी एफ हो रहा है तो एक मोल आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन समतापी प्रक्रम के लिए जबकि ताप नियत है आता है आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। यदि हम एन मोल गैस लें तो यही एन टाइम्स हो जाएगा एन आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। इसी तरह से हम समदाबी प्रक्रम के लिए भी एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। समदाबी प्रक्रम में पी आई बराबर पी एफ होगा और जहां लॉग पी एफ अपॉन पी आई आ रहा है इसका मान लॉग वन यानी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से सम आयतनी प्रक्रम के लिए भी जबकि आयतन समान रहता है वी आई बराबर वी एफ है तो जहां लॉग वी एफ अपॉन वी आई आ रहा है इसका मान लॉग वन होगा और लॉग वन जीरो होगा। तो इस तरह से हम सम आयतनी प्रक्रम के लिए भी एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं।